काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 37,896 विद्यार्थियों ने अपने छात्र जीवन के उन सबसे प्रमुख अवसरों का अनुभव किया जिसके स्मरण से वे जीवन पर्यंत गौरवान्वित होंगे। विश्वविद्यालय अपने 102वें दीक्षांत समारोह में 2020-21 और 22 में डिग्री उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उपाधियां प्रदान की गयी। दीक्षांत समारोह का मुख्य कार्यक्रम सुबह 10 बजे से स्वतंत्रता भवन सभागार में आयोजित किया गया। कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 3 सालों के अंतराल के बाद आयोजित किए जा रहे दीक्षांत समारोह को लेकर विश्वविद्यालय परिवार अत्यंत उत्साहित और प्रफुल्लित है। उन्होंने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बहुत ही अनूठी संस्था है और अपने विद्यार्थियों और पूरा छात्रों के साथ विशेष संबंध रखने के लिए जानी जाती है। प्रोफेसर जैन ने कहा कि दीक्षांत समारोह इस संबंध के स्मरण और इसे मजबूत करने का एक अवसर है। कुलपति ने कहा कि BHU में छात्रों को न केवल उनके करियर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पुरुषकीय और पेशेवर ज्ञान से परिपूर्ण किया जाता है, बल्कि उनमें मानवीय मूल्यों, लोकाचार और जीवन कौशल को भी विकसित किया जाता है, जो उन्हें आदर्श नागरिक बनाने तथा समाज और देश में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि छात्र और पूरा छात्र किसी भी शैक्षणिक संस्थान के सबसे महत्वपूर्ण हितधारक होते हैं और पूरा छात्रों की संख्या, क्षमता और विविधता के लिहाज से काशी हिंदू विश्वविद्यालय विशिष्ट संस्थान है। उन्होंने 2022 के दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त कर्ताओं से संस्थान को आगे बढ़ाने के प्रयासों में शामिल होने का आह्वान किया और उन्हें BHU के नए एलुमिनाई पोर्टल पर पंजीकृत होने के लिए आमंत्रित किया। कुलपति ने उल्लेख किया कि नया पोर्टल BHU के आधिकारिक पूरा छात्रों को एक कुशल तरीके से जोड़ने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, ताकि उनसे बेहतर संपर्क बनाए रखे जा सके तथा इन संबंधों को और प्रभावी रूप से व्यवस्थित और प्रबंधित किया जा सके। कुलपति ने कहा कि छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु नए अवसर सृजित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है। वही BHU के पूरा छात्र और पालो अल्टो नेटवर्क्स के अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी निकेश अरोड़ा ने इस साल का दीक्षांत समारोह संबोधित किया। उन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान BHU से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक तथा नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बोस्टन अमेरिका से मार्केटिंग में MBA की उपाधि प्राप्त की थी। 1992 से 1994 में उन्होंने बोस्टन कॉलेज से मास्टर ऑफ साइंस वित्त की शिक्षा ली। पालो अल्टो नेटवर्क्स के अध्यक्ष और CEO के रूप में शामिल होने से पहले श्री अरोड़ा सॉफ्ट बैंक के अध्यक्ष और COO भी रह चुके हैं। उन्होंने लगभग एक दशक तक विश्व की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल के साथ भी सीनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया है। सर, मैं SBDU फैकल्टी का हूँ, ज्योतिष डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ सर। क्या क्या अवार्ड मिले सर? सबसे पहले तो चांसलर मेडल है सर, जो BHU का जो प्रथम पे है, और उसके बाद सर एक विभूति नारायण सर का मेडल है और एक अपने डिपार्टमेंट का मेडल है सर, 3 मेडल्स हैं। कहाँ के रहने वाले? सर मैं गोरखपुर मंडल का महाराजगंज जिले का रहने वाला हूँ। फैमिली बैकग्राउंड? पिताजी का नाम? पिताजी सर श्री राजेश्वर द्विवेदी और माताजी का नाम श्रीमती शैलेश देवी है। पिताजी क्या करते हैं? एग्रीकल्चर सर, कृषि। हाँ, आगे क्या सोचा है, क्या करने के लिए? आगे सर फिलहाल बहुत ब्रॉड अभी सोचा नहीं हूँ, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटीज़ में सर प्रोफेसर बनने का भी इरादा है। हम ओरिजिनली तो उड़ीसा से हैं, बट हम बंगाल में सेटल्ड हैं। कौन कौन से मेडल मिले हैं आपको? चांसलर्स मेडल, महाराजा विभूति नरेंद्र सिंह गोल्ड मेडल, BHU मेडल। अच्छा, कितनी खुशी है ये मेडल खुश है, ऑब्वियसली खुश है। फैमिली, पिताजी का और माताजी का क्या नाम है? हाँ, मेरी मम्मी प्रिंसिपल हैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की, मेरे पापा भी डिप्टी डायरेक्टर थे एक टाइम पे। आगे क्या सोचा है करने की? मैंने मास्टर्स तो हो गया मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अभी PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। क्या कुछ सीखा BHU के वो यादगार पल? हाँ, मतलब ऐसा है कि एक्चुअली BHU बहुत ही अपना फील कराता है, यहाँ पे सारे लोग बहुत अपने हैं एंड बहुत आराम से हम लोग अपना पढ़ाई कंप्लीट कर पाए थे विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज़। बहुत आराम से, बहुत प्यार से रखे हम लोगों को 3 साल। बनारस यूनिवर्सिटी का
102nd कॉन्वोकेशन दीक्षांत समारोह था। ये बड़ी शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया यूनिवर्सिटी के लोगों ने, वाइस चांसलर जैन साहब ने और शुक्ला साहब और अरुण कुमार सिंह साहब ने एकदम, मतलब हम 24 घंटे के लिए आए थे, एकदम दिल फिर से जुड़ गया बनारस से। हम पिछले 24 घंटे में कई डिपार्टमेंट में गए, कई लैब्स में गए, हॉस्टल में गए, अपने पुराने हॉस्टल में गए, और जो डेवलपमेंट, जो प्रोग्रेस हुई है पिछले 30 सालों में काफ़ी हुई। और ये भी देख के अच्छा लग रहा है कि जो आजकल प्रोग्रेस की जो गति है वो तेज़ हो गई है, सो थिंग्स आर मूविंग फास्टर। जो लैब्स में टेक्नोलॉजी है वो एकदम US के बराबर की हो रही है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि जो यहाँ विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चाहिए। यू हैव टू हैव दैट हियर सो दैट पीपल कैन लर्न, उसे सीखेंगे तभी तो दुनिया भर में जाके तरक्की करेंगे। आपको बता दें कि मुख्य समारोह में कुल 91 उपाधि प्राप्तकर्ताओं को मंच से विभिन्न पदक प्रदान किए गए। इनमें कुलाधिपति पदक स्वर्गीय महाराजा विभूति नारायण सिंह स्वर्ण पदक और BHU पदक शामिल रहा। वाराणसी से गौरव मारुति की रिपोर्ट।